गुड आफ्टरनून गाइस। तां ड्यू टू नेटवर्क अपनी जो क्लास चल रही सी लाइव वाली वो स्ट्रीम जिहड़ी ओहदी एंड हो चुकी है ते आपां तुहानूं इक चलो रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं ताकि तुहाडा नुकसान ना होवे। जिन्ने भी अपने डाउट सीगे वो तुहानूं तुहाडे तक जरूर पहुंचन, क्लीयर होन सारे ऑब्जेक्शन कि 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 लगेगी कि नहीं लगेगी। तां प्लीज़ कंसनट्रेट करो, इस वीडियो नूं जरूर देखो, एंड तक देखो ताकि तुहाडा कोई भी नंबर जो है वो मिस ना हो सके। अगर किसी ने एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर तक भी करते हैं हो सकता है पॉसिबिलिटी में भी वो बन सकती है कि इनक्रीज हो सकन। ठीक है, तो जो अपनी क्लास हो गई सी, आवर हो गई सी, तो उन्होंने आप हम एज ए रिकॉर्डेड, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, मौसम काफ़ी खराब है, तो उसकी वजह ना चलो लाइव नहीं हो पा रही, तो आप रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं, तो जरूर इनू देखो वॉच करो तुम। ठीक है जी, तो ये 121 क्वेश्चन सीगा श्योर है जी, ए ते डी जो इहदा ऑप्शन है करैक्ट है। प्रूफ आ नेट वाला प्रूफ है जी, आ बुक वाला प्रूफ है। क्या फैट सोलूबल जिहड़े हुंदे ने ए डी ई ते के हुंदे ने, ए ते डी दोनों ऑप्शन राइट बन रहियां ने, तां तुसीं जिन्हां ने डी ऑप्शन लगाया है वो जरूर ऑब्जेक्शन पाओ, जिन्हां ने बी ते सी लाया हैगा वो बेशक ऑब्जेक्शन ना पाओ। हाँ, अगर ग्रेस मिलती है क्वेश्चन की तो सब नू मिलेगी, अगर ए एंड डी लिखा आता हैगा तो फिर ए ते डी वाले भी यहाँ नंबर है जो मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन है, एदा कल्चरल जो ऑप्शन सीगा वो कल आप डिस्कस कर चुके सी, कल्चरल बिल्कुल ठीक है जी, एदा कोई भी एदे विच डाउट्स ना रहो, एते ऑब्जेक्शन ना पाओ। सोशल नू लैके सोशल एदा आंसर नहीं हैगा, बी ही करैक्ट हैगा, एदा अप्रूव भी रहा तुहाडे कोले, पहला भी ये क्वेश्चन आ चुका हैगा, कल्चरल ठीक मन्या गया हैगा, ते एदी थ्योरी भी तुहानू सोल्यूशन जो हैगा एदा प्रोवाइड हैगा कि इनू कल्चरल क्यों कहंदे आपां। ठीक है जी, मैथमेटिक्स सिविलाइजेशन। फिर आ क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, 15वां क्वेश्चन जो सेट आर द कॉमन मिस डायग्नोसिस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो इस दा डी आंसर बिल्कुल राइट है जी, डी आंसर ही राइट है। इस ते भी ऑब्जेक्शन पाने दा तुहानू कोई फायदा नहीं हैगा मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि इहदा तुहानू प्रूफ दे दिंदे आ, एक तां कल आपां प्रूफ कीता सीगा। ठीक है, एक होर नवा प्रूफ आया हैगा, देखो इहनू पढ़ो। इट इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रुथ दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफन गैट इनएक्यूरेटली डायग्नोज्ड विद कंडीशन सच एज एडीएचडी, ओसीडी, ओडीडी ते मूड डिसऑर्डर। ये चारे प्रकार के जो डिसऑर्डर होंगे ने गिफ्टड चिल्ड्रन के पाए जाते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन की गल है, मोस्ट कॉमन जो मिस डायग्नोसिस होंगे वो एडीएचडी होंगे। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन जो होंगे एडीएचडी होंगे, बट तुसी क्वेश्चन के विच देखो तो कितने भी मोस्ट ना का वर्ड नहीं मिलेगा, तुहानू कितने भी मोस्ट ना का वर्ड नहीं मिलेगा। अगर मोस्ट तुहानू वर्ड मिलता इतने जी, तो तुम कह सकते सीगे कि हाँ यदा ए ऑप्शन ठीक है। अगर मोस्ट वर्ड होंगे, मोस्ट कॉमन पूछा होंगे, फिर ए ऑप्शन राइट सी, बट कॉमन तो सारी ने, कॉमन ये तिने ने, ए भी है, सी भी है, तो डी भी है, मतलब ए भी सी, डी यदा करैक्ट बनेगा, कोई शौक डाउट नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं, बोर्ड ने डी दिता है आंसर, तो डी ही करैक्ट है। हाँ, अगर मोस्ट कॉमन पूछा गया होंगे फिर तुम जरूर यदा जो राइट आंसर है वो ये मान सकते सके, मोस्ट कॉमन एडीएचडी आता है, बट उन्होंने सिर्फ कॉमन पूछे ने, तो कॉमन ये तीनों ने, हालांकि ये एक होर आता होंगे ओ डी डी डी, कहीं ओ डी 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 भी आता है, चार होंगे ने, तो तीन इतने लिखे हुए हैं, चौथा ऑल ऑफ द अपना इतने राइट ठीक बनेगा आंसर जो है जी, ए हो गया। तो उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैथड, जी एदा जो आंसर है वो किंडरगार्टन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। इदा देखो जो फ्रॉवेल ने दिता सी किंडरगार्टन 1837 दिता सीगा, ते मैडम मारिया मटेंसली जी ने 1907 च दिता सी, तां पहला किने दिता सी फ्रॉवेल ने, किहड़ा किंडरगार्टन, तां वो बिल्कुल ठीक है। फिर इस क्वेश्चन की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है जी, क्वेश्चन नंबर टू, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलीजेंस फॉर क्रिएटिविटी, तो देखो क्रिएटिव होंगे जी, क्रिएटिव होंगे, सिंथेटिक नहीं होंगे, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उत्थे इहदा सी ही करैक्ट मनिया गया है, बट क्रिएटिव होंगे, सिंथेटिक नहीं होंगे, क्रिटिकल भी नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन भी ठीक नहीं होएगी, सी भी अकॉर्डिंग टू क्रिएटिव ठीक नहीं है, तो तुम ऑब्जेक्शन पा सकते हो बिल्कुल, तुहानू सारयां नू इहदा ग्रेस मिल सकता है जी अगर तुम ऑब्जेक्शन पाओगे, बट हाँ अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो उत्थे सी ही ठीक मनिया गया है जी। फिर
ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਐਨਾਲੈਟਿਕ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲੈਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਦਾ, ਐਨਾਲੈਟਿਕ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰੋਬਰਟ ਸਟਰਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿ ਗਰੋਥ ਆਏਗਾ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 115। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 115 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਏਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਡੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਰਾਈਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹੋਮਵਰਕ, ਹੋਮਵਰਕ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀਪ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 100% ਜੋ ਹੈਗਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 100% ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤੇ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ 1 ਮਾਰਕ ਅਵਸ਼ਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰੀਕਾਲ ਐਂਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਕਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟਡ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਆਰ ਫਰੇਮ, ਵਿਚ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਾਟਾ, ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਅਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਆਰ ਅਪਰੂਵਡ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਐਂਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਮੈਥਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੀ 100% ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 100% ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁਪਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁਪਾਈ ਆਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਛੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਬ ਤੂੰ ਪਹਾਰਾ ਦੇਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਤੂੰ ਬੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪਹਾਰਾ ਦੇਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਬੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਛੰਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਪਾਈ ਦਵਾਇਆ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
जो अपने को राइट आंसर बन रहा है वो डी आंसर बन रहा है, या तो डी बनेगा या फिर कोई भी नहीं बनेगा, या डी बनेगा या कोई भी नहीं बनेगा, तो इस पे तुसी ऑब्जेक्शन पा सकते हो। छपाई इहदा राइट आंसर नहीं हैगा अगर पहले दो लाइनां दी गल कीती जावे। हाँ अगर पूरे पैरे के अकॉर्डिंग देखा जाए फिर आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले दो लाइना के अकॉर्डिंग एदा जो शब्द है वो दोहरा बन गया है, इसका प्रूफ आ रहा है तुम्हारे सामने। फिर क्वेश्चन नंबर 65, जो क्वेश्चन 65 है, द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज स्किल इंक्लूड, तो जी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज स्किल इंक्लूड करती है जी बोर्ड ने, यदा आंसर डी मनिया है। ठीक है जी, तो बुक एक बुक हैगी अपने को, बुक का प्रूफ है जिद डी गलत साबित करता है, तो नैट पर यह रीडिंग एंड लिसनिंग ही आता है, तो यदा करैक्ट आंसर आप कुछ नहीं कह सकते। देखो बुक के दे अपने को इतने रिस्पैक्टिव एंड प्रोडक्टिव जूम कर दे थोड़ा जा आसिका जी ऑनलाइन ऑन द अदर हैंड रीडिंग एंड राइटिंग आर कंसीडर टू बी रेसिपेटिव स्किल। ठीक है जी, तो रीडिंग ते राइटिंग नूं इह रेसिपेटिव स्किल कह रहे हैं। बुक हैगी जी, बुक का जो तुहानूं पैटर्न देखो ये बुक हैगी है रीडिंग एंड रिफ्लैक्टिंग ऑन टेक्सट, हरमीत कौर जी की लिखी हुई है, डॉक्टर इंद्रदेव सिंह नरेंद्र प्रिंसीपल, ठीक है जी, मुकेरिया कॉलेज उत्थों की लिखी हुई है बुक हैगी है जी। तो इस बुक के जो रीडिंग ते राइटिंग है उन्होंने इन्होंने रिस्पेक्टिव स्किल होने की गल कही हैगी है। ठीक है, तो बट अगर नैट पर देखते हैं तो नैट पर रीडिंग एंड लिसनिंग मतलब रिस्पेक्टिव स्किल दिखाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मतलब जो है ने ये मन सकते हो, हम आप कुछ कह नहीं सकते कि यदा की ठीक है की गलत हैगा। ठीक है जी, तुहाडे सामने हैगा इसका जो नैट वाला भी तो बुक वाला भी। हुण अगर बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रीडिंग एंड राइटिंग इन्होंने दिखाया हुआ इतने रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है जी, रेस्पेक्टिव स्किल दिखा रखी है जी, जो ग्रहण करते हैं आपां, तो इतने रीडिंग एंड लिसनिंग दिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो रीडिंग एंड राइटिंग तो इतने किसी ऑप्शन है नहीं गा। ठीक है जी, लिसनिंग एंड राइटिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग ऑप्शन के ही है नहीं, तो यदा भी अगर ग्रेस मिल सकता है अगर आप पूरी थोड़ी जी होर जानकारी प्राप्त कर लिए तो यह ग्रेस वाला क्वेश्चन बन सकता है। अगे एक क्वेश्चन आ रहा जी 147वां क्वेश्चन है, यह साइंस का हैगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विच इज नोट द नेचुरल रिसोर्स, तो यह क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ही रोंग है, यदा 100% सबनों ग्रेस मार्क्स मिलेगा जी, 100% जो स्टेटमेंट हैगी है यदि रोंग है जी, 100% रोंग है यदि स्टेटमेंट, तो 100% की ग्रेस मार्क्स मिलेगी कि विच इज द नोट द नेचुरल रिसोर्स, तो इन ऑर्गेनिक नेशनल मिक्सचर ऑर्गेनिक ये सारे ही की होंगे ने नैशनल नैचुरल रिसोर्स होंगे ने। देखो जी का प्रूफ क्लासीफिकेशन ऑफ नैचुरल रिसोर्स, तो नैचुरल रिसोर्स के अंदर ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, मिक्सचर भी है, मिक्सड भी बोल सकते हैं, तो नैशनल भी है। क्वेश्चन के उन्होंने या तो पूछना सगा बेस्ड ऑन दैर कैमिकल नेचर, या बेस्ड ऑन दैर डिस्ट्रीब्यूशन, या बेस्ड बेस्ड ऑन दैर एग्जॉस्टेबिलिटी। ठीक है जी, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर ठीक मनिया जा सकता है, लेकिन नैचुरल रिसोर्स तो सारे ही ने। ठीक है जी, नैचुरल रिसोर्स ये सारे ही ने, ये सारे ही नैचुरल रिसोर्स ने, तो यदि स्टेटमेंट रोंग है यदा ग्रेस तुहानू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, ग्रेस मिलेगा, इस पर ऑब्जेक्शन जरूर पाओ, 100% ऑब्जेक्शन तुम इतने पा सकते हो, कोई डाउट नहीं, जिन्हों का भी यह एक नंबर हैगा जिन्होंने इनक्रीज करना है वो जरूर इतने ऑब्जेक्शन पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ड्यूरिंग लाइटिंग, ठीक है जी, तो यदा जो आंसर कई स्टूडेंट ए बोल रहे हैं कि ए करैक्ट है, तो बिल्कुल ए नहीं करैक्ट हैगा जी, सी ही करैक्ट हैगा। क्वेश्चन का जो प्रूफ दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन का, वो दिखा रहे हैं आ बुक, ठीक है, तो बुक बिल्कुल जी जो लाइटिंग होंगी है वो जनरेट होंगी हैगी है ट्रोपोस्फीयर दे विच, बट इन्होंने अगे क्या होया कि सूरज धरती के परस्पर प्रभाव न, तो इतने इन्होंने स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है वो चेंज किया होया। ठीक है जी, इन्हें सीधा नहीं पूछा होया कि जो आसमानी बिजली हैगी कितने मतलब कि उस लेयर चमकती हैगी है, कितने जनरेट होंगी है, तो फिर ट्रोपोस्फीयर आना, बट इन्होंने अगे क्वेश्चन तो सूरज धरती के परस्पर प्रभाव तो यानी कि स्ट्रोंग इलैक्ट्रिकल जनरेटर फ्रॉम सोलर ट्रांजिशन, ठीक है जी, आ स्टेटमेंट करके यदा जो आंसर है वो मैगनेटोस्फीयर से आइनोस्फीयर आएगा, आइनोस्फीयर तो राइट है ही है दोनों च, ठीक है जी, सारे ची राइट है, तो मैगनेट स्फीयर आएगा, यदा आंसर राइट सी ही करैक्ट है, कोई ये दिक्कत नहीं, ए ऑप्शन यदा करैक्ट नहीं है। हाँ अगर उन्होंने सीधा पूछा होंगे कि आसमान बिजली चमकती है तो वह कि लेयर के मतलब आँदी है, फिर ट्रोपोस्फीयर आना सी, बट उन्होंने अगे क्वेश्चन चेंज किया होया, सूरज पंजाबी दे विच भी पढ़िया करो जी, जरूरी नहीं इंग्लिश ते पंजाबी दोनों ही आप जनरली आप देखते हैं कि स्टेटमेंट जो होंगी है वह इंग्लिश वाली सही मनी जाती है, तो इंग्लिश के भी उन्होंने लिखा होया जनरेटर फ्रॉम सोलर टेरेस्ट,
कई तो सोलर क्रिस्टल के कारण यह मैग्नेटोस्फीयर दे विच जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया का जो कंपोनेंट हैगा वो केड़ा नहीं हैगा, तो जो ऑब्जेक्ट हैगा जी ऑब्जेक्ट, या तो यदा ऑब्जेक्ट आंसर आएगा या फिर यदा कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, बी बोर्ड ने दिता हैगा आंसर, तो बी ही टेक्स्ट जो हैगा इनू मल्टीमीडिया का कंपोनेंट मनिया जाता है, ग्राफिक साउंड ये सारे मने जाते हैं, जब बी आएगा या डाउट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नू भी आप एक तो मौके पर मल्टीमीडिया कह सकते हैं या नहीं कह सकते, यदि कोई जानकारी नहीं हैगी, बट हाँ यदा ए सी डी ये तीनों ठीक ने, ए सी डी ये तीनों मल्टीमीडिया कंपोनेंट ने, इन्हों कोई शक नहीं, तो डाउट यही है कि बी ऑब्जेक्ट जो है मल्टीमीडिया कंपोनेंट हैगा या नहीं हैगा। अगर जी बी जो ऑब्जेक्ट हैगा मल्टीमीडिया कंपोनेंट बनता है तो फिर यदा बिल्कुल ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हैगा, जे ऑब्जेक्ट यह नहीं ऑब्जेक्ट मल्टीमीडिया कंपोनेंट नहीं हों तो बिल्कुल नहीं हैगा, बट मेरे अकॉर्डिंग यह बी आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होंगे ये मल्टीमीडिया कंपोनेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, एक पेन में एक खाने वाली चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब होंगे वस्तु, तो आप किसी भी वस्तु कह सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो यह मल्टीमीडिया के नहीं आता। ठीक है जी, यदा प्रूफ भी हैगा वट आर द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीमीडिया, तो टैक्सट ये पे इमेज वीडियो ऑडियो एनीमेशन ये सारे ये पे ने। ठीक है जी, ये पे हुए ने अपने को, प्रूफ हैगा गूगल पर भी यदा प्रूफ हैगा जी, शायद मैं आप चैक कर लें गूगल पर। ठीक है जी, मे बी इन स्लाइड्स उठ गई है, ठीक है जी, आप चैक कर लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है जी, तो इतने एक अपने को क्वेश्चन आया सीगा, इतने आएगा फाइव कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है जी, तो पांच कंपोनेंट जो होंगे ने मल्टीमीडिया के, टैक्सट होंगे, फोटोग्राफ, ऑडियो फाइल, वीडियो प्रेजेंटेशन, जी आई एंड अदर टिपता, जो टैक्सट होंगे जी वो मल्टीमीडिया कंपोनेंट होंगे हैगा, ये बिल्कुल श्योर हैगी गल, तो जो आप डाउटफुल है वो ऑब्जेक्ट को लैके है, तो डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया वो ये ना सोच कि उन्हों का सही है, टैक्सट बिल्कुल मल्टीमीडिया कंपोनेंट है, ये कोई शक नहीं। नैक्सट जो क्वेश्चन आ रहा 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लिसनिंग। ठीक है जी, एक्टिव लिसनिंग के जो कौन एसोसिएट नहीं होंगे, तो रिवर्सिंग बिल्कुल जी सी ऑप्शन जो बोर्ड ने दिता है रिवर्सिंग वो बिल्कुल सही है, रिवर्सिंग नहीं होंगे, यदा तो जो प्रूफ हैगा वो आप दिखाते हैं, वेट करो जी, एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लैक्टिंग, चेक करते हैं जी कि ऑप्शन, हाँ जी वट आर द फोर टाइप ऑफ एक्टिव लिसनिंग, फोर टाइप ऑफ एक्टिव लिसनिंग के पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग बिल्कुल पहले नंबर पर ही पिया हैगा, तो कई स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि पैराफ्रेजिंग आएगा, बिल्कुल पैराफ्रेजिंग नहीं आएगा, उन्होंने नोट पूछा हैगा, तो फोर टाइप ऑफ एक्टिव लिसनिंग के पैराफ्राइजिंग आता है, रिफ्लैक्टिव फीलिंग भी आदि ने, रिफ्लैक्टर भी आता है, तो रिवर्स नहीं आता। ठीक है जी, वो भी तो दिखाते हैं कि रिवर्स क्यों नहीं आता, वेट करो एक्टिव लिसनिंग स्किल यूनिट से। ठीक है जी, ए पिया है, ये देखो एक्टिव लिसनिंग के जाओगे तो एक्टिव लिसनिंग समाइल, आई कंटैक्ट, पोस्चर, मिरर, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है जी, तो रिमैंबरिंग, इतने आएगा रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन इज क्लोजली रिपीटिंग और पैराफ्राइजिंग, रिफ्लैक्टिंग रिपीटिंग पैराफ्राइजिंग, इतने अपने को चार ही ऑप्शन ने, रिपीटिंग, रिफ्लैक्टिंग पैराफ्राइजिंग, लेकिन रिवर्सिंग नहीं है। ठीक है जी, देखो क्लोजली रिलेटेड ने रिफ्लैक्टिंग, रिपीटिंग पैराफ्राइजिंग, बट रिवर्सिंग नहीं हैगा, तो यह बिल्कुल सी ऑप्शन जायज़ हैगा, यही राइट हैगा। ठीक है जी, गूगल पर प्रूफ है तो हम दिखा देता हैगा। क्वेश्चन नंबर 83 का क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट अबाउट द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑफ, यदा डी ऑप्शन जो बोर्ड ने दिता हैगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन बोर्ड वालों दिता गया, तो डी ही ठीक हैगा बिल्कुल, यदा भी प्रूफ तो हम दिखाने हैं जी, वेट करो, यदा प्रूफ हैगा जी, आ जा, ठीक है जी, देयर इज यूजली नो लिसनिंग
ਔਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਡਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਿਕਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਰ ਗਿਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਇਜ ਯੂਜਲੀ ਨੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਨਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਏ ਰੀਜਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਸੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਟ ਇਜ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਜੋ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਸਪੀਸੀਜ਼, ਜੈਨੈਟਿਕ ਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਮ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੈਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੈਨੈਟਿਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਜੈਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸਚਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਊਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੇਨਫਾਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਆਈਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਫ ਦਾ ਆਈਰੋਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਮੋਡ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਬੀ ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਕੁਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਗਾ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਦਾ ਸਪਰੇਇੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਈਕ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਵੜੀਓ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਸਾਲਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਮੋਰ ਵਾਟਰ ਪਾਸ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲਵਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਈਡੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੁਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9812128252877 ਉੱਪਰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 9812825287 ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਿਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਕੁ ਕੁਸਚਨ ਹੈ ਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ठीक है।